आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास जानकारियां और सीधा कनेक्शन करवाती हूँ आपका बॉलीवुड से। तो चलिए चलते हैं बॉलीवुड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पूरे देश में इस समय मॉब लिंचिंग का मुद्दा गर्माया हुआ है। मॉब लिंचिंग को लेकर करीब 49 सेलेब्स ने एक चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को भेजी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर एक्शन लेने का अनुरोध किया है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी मॉब लिंचिंग पर कोई एक्शन लेते, इससे पहले ही उन कलाकारों में शामिल एक्टर कौशिक सैन को धमकी भरा फोन आया है। बताया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाने और प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कौशिक सैन को धमकी भरा फोन किया गया है। कौशिक सैन ने एक इंटरव्यू में बताया, कल मुझे अज्ञात नंबर से एक कॉल आया जिसमें मुझे धमकी दी गई कि अगर मैंने मॉब लिंचिंग और असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं किया तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुझे बोला गया कि अगर मैं अपना तरीका नहीं बदलता हूं तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। सोनाक्षी सिन्हा अपनी अपकमिंग फिल्म खानदानी शफाखाना में एक सेक्स क्लीनिंग चलाने की कोशिश करती नजर आएगी। 2 अगस्त को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के प्रमोशन में सोना इस तरह जुटी है कि ट्विटर पर अपना नाम बेबी बेदी कर लिया है। इसके साथ सोनाक्षी लोगों से चुप न रहने की और सेक्स पर बात करने की अपील कर रही है। देखिए हमारी पूरी वीडियो में। सोनाक्षी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब चुप न रहो, अजीब बात तो करो। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 7069588444। सोनाक्षी ने ट्वीट 24 जुलाई की रात किया था और ये इंटरनेट पर छाया हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हमेशा अपने विवादित बयानों के चलते सोशल मीडिया पर छाई हुई रहती है। बता दें कि स्वरा भास्कर अक्सर सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कहती है। हाल ही में एक्ट्रेस ने कार्यक्रम के दौरान मॉब लिंचिंग पर भी अपनी राय रखी है। स्वरा भास्कर ने मॉब लिंचिंग को बड़ी प्रॉब्लम्स बताते हुए इसे महामारी की संज्ञा दी है। साथ ही उन्होंने उन 49 सेलेब्स की भी सराहना की जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर एक्शन लेने के लिए पत्र लिखा है। एक प्रोग्राम में गई मॉब लिंचिंग पर स्वरा भास्कर ने कहा, मॉब लिंचिंग देश में महामारी बन गई है और मुझे नहीं लगता कि हमें इस कड़वे सच से मुंह मोड़ना चाहिए और न ही हम इसे झूठ करार दे सकते हैं। मॉब लिंचिंग के बारे में मैं पिछले 3-4 साल से इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने 1-2 साल पहले मानव सुरक्षा कानून की मांग भी करी थी, एक लॉ बने मॉब लिंचिंग के खिलाफ। दुख की बात है कि इन 3 सालों में जो स्थिति है वो बेहतर होने के बजाय और बुरी हुई है। तो आई थिंक बहुत ही कमेंडेबल है और अच्छी बात है, सराहनीय है कि ये जो फिल्म मेकर्स हैं और जो राइटर्स हैं, प्लेराइट्स हैं और आर्टिस्ट हैं जो आए हैं साथ में और जिन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी है, वो एक अच्छी बात। बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वे कल 5-स्टार होटल में गए और वहां उन्होंने 2 केलों का ऑर्डर दिया, लेकिन जब केलों का बिल आया तब वे हैरान रह गए और इन सब बात की जानकारी राहुल बोस ने सोशल मीडिया पर दी। राहुल के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर होटल का जमकर मजाक बना। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर मनदीप सिंह बरार ने होटल JW मैरिट के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। खबरों के मुताबिक मनदीप सिंह बरार ने कहा कि हमने वीडियो पर संज्ञान लिया है। राहुल बोस ने ट्विटर पर जो बिल पोस्ट किया है उसके आधार पर मैंने जांच के आदेश दिए हैं। होटल ने ताजे फल पर GST कैसे लगाया? अगर होटल दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड की हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपने फैमिली के साथ यूरोप में वैकेशन एंजॉय करी है और अपने वैकेशन के फोटोज वीडियो लगातार शिल्पा सोशल मीडिया पर शेयर भी करी है। लेकिन उनमें से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें शिल्पा उप्स मोमेंट का शिकार होती नजर आ रही है। दरअसल वीडियो में नजर आ रहा है कि शिल्पा क्रूज पर खड़े होकर पोज देती है, तभी जोर से हवाती है और उनकी ड्रेस हवा में उड़ने लग जाती है। देखिए हमारी पूरी वीडियो में। शिल्पा जैसे तैसे अपनी ड्रेस को तुरंत संभाल लेती है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि ऐसा होने पर शिल्पा ना तो झिझकती है और ना ही वीडियो को डिलीट करती है, बल्कि वे इस मोमेंट को एंजॉय करती है। वीडियो के साथ शिल्पा ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा। एक्ट्रेस ने लिखा, ये मेरा मरलिन मुनरो मोमेंट है, आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो
तो ऐसे हर रोज हम आपका डायरेक्ट कनेक्शन करवाते रहेंगे बॉलीवुड से। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।